सेल फोन ट्रेसिंग और लोकेशन ट्रेसिंग के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। आपने देखा होगा जब भी हमारा फोन कभी चोरी हो जाता है, खो जाता है, कहीं पर गिर जाता है या फिर कोई चोर हमारे फोन को चुरा लेता है, तो ऐसे में हम उसकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस वाला हमसे हमारे मोबाइल का IMEI नंबर जरूर पूछता है। तो यहाँ पर पुलिस सिर्फ मोबाइल के एक IMEI नंबर से उस फोन को आसानी से ट्रेस कर लेता है, उसकी लोकेशन को आसानी से पता लगा लेता है कि वो फोन फिलहाल अभी कहाँ पर है। इसके साथ ही उस चोर को भी आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर में पुलिस वाला किस तरह से सिर्फ मोबाइल के एक IMEI नंबर से उस चोर को या फिर कहें उस खोए हुए फोन को किस तरह से ढूंढ लेता है, और ये सब जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी कैन चैनल में आपका स्वागत है। पुलिस IMEI नंबर से कैसे चोर को पकड़ती है या फिर कहे कैसे खोए हुए फोन को ढूंढती है, ये सब जानने से पहले आइए सबसे पहले हम शॉर्ट और सिंपल में जान लेते हैं कि आखिर में ये IMEI नंबर होता क्या है। तो IMEI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये एक यूनिक नंबर होता है। अगर आप अपने मोबाइल के डायल में जाएंगे और वहां पर *#06# दबाएंगे तो वहां पर आपके मोबाइल का जो भी IMEI नंबर है वो वहां पर शो हो जाएगा। ये यूनिक होता है और हर मोबाइल के अंदर ये IMEI नंबर जरूर होता है। इसकी मदद से कोई भी पुलिस आसानी से उस फोन को ढूंढ सकती है। लेकिन सवाल उठता है कैसे, तो चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर में एक IMEI नंबर से फोन को किस तरह से ट्रेस किया जाता है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, जब भी आपका फोन कभी खो जाता है या फिर कहीं पर गिर जाता है तो उसकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए सबसे पहले आप पुलिस वाले के पास जाते हैं, तो वहां पर पुलिस वाला आपसे आपके मोबाइल का IMEI नंबर जरूर पूछता है। तो जैसे ही पुलिस वाले के पास आपके मोबाइल का IMEI नंबर आ जाता है तो उसके बाद वो करते क्या है, उस IMEI नंबर को जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, यानी जितने भी सिम कार्ड प्रोवाइड करने वाले कंपनियां होते हैं, उन सभी को वो IMEI नंबर दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि इस नंबर को सर्वेलेंस पे रखो, यानी निगरानी पे रखो। इसके बाद होता क्या है, जब भी कोई यूजर उस फोन को इस्तेमाल करता है, यानी उस IMEI नंबर वाले फोन को इस्तेमाल करता है, उसमें किसी भी तरह के सिम कार्ड को डालता है और फोन को ऑन करता है, तो जैसे ही फोन को ऑन करता है तो उसके बाद जो भी IMEI नंबर है वो उस सिम कार्ड के टेलीकॉम ऑपरेटर के पास रजिस्टर्ड हो जाता है, जिससे टेलीकॉम ऑपरेटर को ये आसानी से पता चल जाता है कि हाँ भाई, हमारे कंपनी का ये सिम कार्ड है और ये सिम कार्ड फिलहाल इस फोन में इस्तेमाल हो रहा है और इस फोन का IMEI नंबर ये है। तो ये जो सारी की सारी डिटेल्स है वो टेलीकॉम ऑपरेटर के पास आसानी से पहुंच जाती है, और उनके पास स्पेसिफिकली पुलिस ने कहा होता है कि अगर ये IMEI नंबर आए तो हमें बता देना, तो सर्विलेंस में डाल देते हैं। तो जैसे ही वो IMEI नंबर आता है तो वो सारी की सारी डिटेल्स पुलिस वाले को बता देता है कि हाँ भैया, ये फोन इस जगह पे ऑन हुआ था और इसका IMEI नंबर ये है और इसमें फिलहाल अभी ये नंबर इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद दोस्तों पुलिस करते क्या है, उस खोए हुए फोन को ढूंढने के लिए या फिर कहें उस चोर को पकड़ने के लिए, यहाँ पर वो बेसिकली ट्रायंगुलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वो 3 नेटवर्क टावर का इस्तेमाल करती हैं। तो जब भी आपका फोन कभी सिम कार्ड डाल के आप ऑन करते हो तो वो आसपास के नेटवर्क टावर से कनेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर पुलिस बेसिकली यही टावर का इस्तेमाल करती है चोर को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखा जाता है कि 3 नेटवर्क टावर से जो भी फोन की लोकेशन है, डिस्टेंस है, उसमें जो भी कॉमन लोकेशन है वो कौन सा है। तो जो कॉमन लोकेशन है पुलिस वहीं पर पहुंच जाती है। उसके बाद पुलिस मैन्युअली वहां पे सर्च करती है कि हाँ भाई, ये लोकेशन है और इस जगह पे वो फोन है या फिर कहें वो चोर है, तो वहां पर वो पुलिस जो भी कांस्टेबल है या फिर कहें आसपास जो भी पुलिस है वो वहां पर उस चोर को सर्च करने लग जाती है। इसके बाद क्या, पुलिस वहीं पे चोर को दबोच लेती है और खेल खत्म। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर चोर अपने मोबाइल में सिम कार्ड को कुछ देर के लिए डाल के इस्तेमाल कर रहा है, इमरजेंसी कॉल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद वो फोन को स्विच ऑफ कर देता है या फिर सिम कार्ड को निकाल के फेंक देता है और दूसरी जगह चले जाता है, तो यहाँ पर पुलिस वाले को उसकी जो भी लास्ट लोकेशन है सिर्फ उसी के बारे में पता चल पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों एक IMEI नंबर से पुलिस हमारे लोकेशन को या फिर कोई भी यूजर की लोकेशन को या फिर खोए हुए फोन को या फिर जिसने भी फोन को चुराया है उसकी लोकेशन को आसानी से ट्रेस कर सकता है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बस यार, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर जरूर दबाना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ इसी तरह के तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।